हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भूम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे श्री चैतन्य मनोभावेष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतपकमलम श्रीगुरू वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखामृताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तत्कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो आप सबका स्वागत है आज की शाम की कक्षा में। तो आज हम भागवत के ऊपर चर्चा नहीं करें, आज भगवत और भगवत भक्त है ना, एक ग्रंथ भागवत भी होते हैं, भक्त भागवत भी है। तो ग्रंथ भागवत पे तो हम डेली चर्चा करते हैं, आज हम भक्त भागवत पे चर्चा करेंगे। मेरे कहने का मतलब है आज वैशाख पूर्णिमा भी है आज, है ना। कल नरसिंह चतुर्दशी थी, तो आज के दिन हम देखते हैं श्री श्री राधा रमण ना वृंदावन में है, आज उनका प्राकट्य भी है, आज के दिन ही प्रकट हुए थे। और साथ ही साथ एक बहुत ही महान भक्त श्रीपाद माधवेंद्रपुरी, उनका भी अपेरेंस डे यानी आविर्भाव जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो आज हम इन पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। तो जैसे कि मैंने कहा कल नरसिंह चतुर्दशी थी और आज जो है वैशाख पूर्णिमा है, और आज के दिन श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का आविर्भाव, उनका जो है जन्म हुआ था। एक बार की बात है जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए, चैतन्य महाप्रभु का संन्यास हुआ, तो संन्यास के बाद शची माता ने कहा था चैतन्य महाप्रभु से कि आप संन्यास तो दे चुके हो और मैं चाहती हूँ आप वृंदावन में ना जाकर जगन्नाथपुरी रहिए, क्योंकि महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते थे। पर माँ ने कहा तो माँ के कहने से वो पुरी में रुक गए, क्योंकि पुरी ज्यादा दूर भी नहीं था, और एक कारण ये भी था कि बंगाल से नवद्वीप से अक्सर डिवोटी पुरी जाया करते थे। तो इससे एक आस क्या थी कि खबर मिलती रहेगी, हालचाल पूछते रहेंगे आते जाते वाले जो डिवोटी है उनकी भक्तों से खबर मिलती रहेगी, तो ये कारण भी था। तो जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे उस टाइम, आप ऐसे कुछ वक्त शायद गए हो या ना गए हो, खीर चोर गोपीनाथ रेमुणा में है, खीर चोर गोपीनाथ। तो संन्यास के बाद महाप्रभु रेमुणा गए गोपीनाथ, उस टाइम खीर चोर नाम नहीं था उनका, उनका नाम गोपीनाथ। तो उस टाइम जब महाप्रभु अपने भक्तों के साथ थे, तो जब गोपीनाथ के दर्शन किए, तो गोपीनाथ के दर्शन करके महाप्रभु पहले बहुत नृत्य किया भाव में आके, तो वहां के पुजारी ने देखा महाप्रभु, उन्होंने बहुत उनकी सेवा करी, उनको प्रसाद दिया महाप्रभु का, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हाँ, तो महाप्रभु
बताते हैं माधवेंद्र पुरीपाद जी के बारे में, क्योंकि माधवेंद्र पुरीपाद जो हैं चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरु। दादा गुरु कैसे? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के गुरु है ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के गुरु हैं माधवेंद्र। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया, उनकी बारे में बताने लगे। और चैतन्य महाप्रभु बताते हैं भक्ति के बारे में। चैतन्य महाप्रभु भक्ति वृक्ष के बारे में बताते हैं, कहते हैं ये वृक्ष है इसका तना जो है, इसका ट्रंक यानी इसका तना जो है वो है श्रीपाद माधवेंद्र। बहुत अहम भूमिका है माधवेंद्र की। वो सैद्धांतिक दृष्टि से, तत्व दृष्टि से भगवान को मानते थे, भगवान की भक्ति करते थे, भगवान की भगवता को जानकर भक्ति करते, मतलब प्रेम भक्ति नहीं थी। प्रेम भक्ति विप्रलम्बा भक्ति, विप्रलम्ब आपको पता है सेपरेशन, सेपरेशन मतलब कि जैसे कि कहते ना बिरहा भाव, बिरहा भाव की भक्ति, प्रेम भक्ति ये माधवेंद्र पुरी नहीं जो है स्थापित करे। क्योंकि भगवान को तो आनंद आता है भक्तों से लीला करने में, और जितना आनंद भगवान को गाली खाने में आता है उतना आनंद शायद श्लोकों की स्तुतियों से नहीं आता। हम देखते हैं जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा होती है, जब तक जगन्नाथ गालियां ना दी जाए पंडों के द्वारा, जगन्नाथ जी रथ नहीं चढ़ते। वृंदावन में गोपियों की डांट सुनते थे, भक्तों की अपने बाल सखाओं की गाली सुनते थे, उनको मजा आता। हम कहते हैं कि वेदों की स्तुतियों से एलर्जी है, मैं दूर भागता हूँ उनसे, प्रेमी भक्तों का संग मैं चाहता। तो ये माधवेंद्र पुरी पाद जो हैं उनकी बदौलत ही भगवान की जो प्रेम भक्ति हमें प्राप्त हुई है। और ये माधवेंद्र पुरी पाद के ऊपर भगवान की बहुत विशेष कृपा है, बहुत कृपा है। तो यहाँ पर महाप्रभु संन्यास के बाद बताते हैं माधवेंद्र पुरी की कथा बताते हैं। क्योंकि माधवेंद्र पुरी जो थे वैसे वो दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत के थे, उडुपी में रहा करते थे और सन्यासी थे, बहुत महान भक्त थे। और भक्त का एक ही भाव होता है वृंदावन में रहना, मैं वृंदावन जाना, अपने जीवन में, अपने जीवन काल में एक बार वृंदावन जरूर जाना, ये भक्त का मन की भाव होते जाना चाहते। तो माधवेंद्र पुरी भी आए, तो उस टाइम ऐसा था नहीं कि ट्रेन फ्लाइट पकड़नी है वृंदावन आना है। तो माधवेंद्र पुरी उडुपी से पैदल आए थे वृंदावन, वृंदावन आए, वृंदावन रहे, वहां पर राधाकुंड में स्नान किया, तीर्थों के दर्शन किए, वृंदावन की परिक्रमा करी। और वृंदावन जब पहुंचे तो उनके मन में एक भाव आया, वहां पर मैंने उन्हें संकल्प लिया, संकल्प ये लिया कि मैं वृंदावन में हूँ, कृष्ण का भक्त हूँ। और कृष्ण को पसंद क्या था? गाय और गाय का दूध, है ना। तो उन्होंने क्या प्रण लिया कि मैं अब कहीं भी कभी आनंद नहीं लूंगा, मैं अब दूध पी जीऊंगा। तो वृंदावन उन्होंने पूरा घूमा, दर्शन किए, उसके बाद वृंदावन से निकले गोवर्धन की तरफ। वृंदावन से गोवर्धन आई थिंक 29 या 30 किलोमीटर है, 29-30 किलोमीटर वृंदावन से गोवर्धन है। तो 29-30 किलोमीटर पैदल यात्रा करी, उसके बाद गोवर्धन पहुंचे, गोवर्धन की परिक्रमा करी, यानी 21 किलोमीटर, कितना हो गया, 30 प्लस 21, 51 किलोमीटर है ना। तो 51 किलोमीटर, और ऐसा तो है नहीं 16 साल की छोकरी थी, जवान यंग, है ना, बुढ़ापा था जो, है ना, ओल्ड एज थी, तो थकावट भी होती है, थके हारे थे, बॉडी टूट चुकी थी जर्जर। तो शाम का समय था, और प्लस उन्होंने एक और प्रण लिया था वृंदावन में, मैं कभी मांगूंगा नहीं किसी से। एक याचक होता है कि अयाचक होता है, याचक प्रवृत्ति मतलब कि भिक्षा मांगना और जीवन निर्वाह, अयाचक वृत्ति क्या होती है, कुछ नहीं मांगा, मिला तो खाया, नहीं मिला तो भूखे सो।
वो माधवेंद्रपुरी अयाचक प्रवृत्ति के थे, कुछ मांगते नहीं थे किसी से। मिला तो खाया, नहीं मिला तो सो गए। शाम हो चुकी थी, माधवेंद्रपुरी थके हारे थे। तो कुछ लोगों ने देखा कि एक साधु है, बुजुर्ग है। आज भी देखा जाए तो वृंदावन में ये संस्कार है, लोग कोई जाए साधु तो साधु का सम्मान करते, पूछते खाने को, पूछते पीने को, पूछते हैं। तो माधवेंद्रपुरी गए तो देखा कुछ लोगों ने कि हाँ भाई आज बहुत अच्छे संत हैं और बहुत देर से बैठे हैं, थके हारे भी दिख रहे, चेहरे से थकावट दिख रही थी, पर कहीं कुछ मांग भी नहीं रहे और भूखे भी लग रहे हैं, बहुत देर से पेट उनका पिचका हुआ है, थके हारे हुए हैं, भूखे भी हैं। तो गया और वो रोटी ले आया और सब्जी ले आया। तो उन्होंने प्रण लिया था मैं कभी अन्न नहीं खाऊंगा, और जो देगा वो ले भी लूंगा पर खाऊंगा नहीं। तो उन्होंने रोटी सब्जी दी, उन्होंने ले लिया पर किसी और को दे दिया। देखा यार रोटी बाबा नहीं खाता, शायद चावल खाता होगा। तो चावल लेके आए, चावल दाल लेके आए, वो भी ले ली, वो भी नहीं खाया, दे दिया। चावल भी खाता, शायद फलाहारी बाबा होगा, फल खाएगा। तो गया, जब वो बेचारा फल लेके आया तो वो भी लिया और दे दिया, तो ये शायद कुछ खाएगा नहीं शायद। तो बेचारे ऐसे बैठे हैं, थके हारे हैं, और ब्रज में कोई भूखा रह जाए ये तो हो नहीं सकता। भक्त हो और भूखा हो, ये हो ही नहीं सकता। कदम जैसे कि दिन और रात एक हो गए, हो नहीं सकता। सुख और दुख एक हो गए, हो नहीं सकता। वैसे ही भक्त दुखी भूखा रहे, ये भी हो नहीं सकता। राधा रानी कभी भक्तों को भूखे रहने नहीं देते, भगवान कृष्ण के भक्तों को भूखे रहने नहीं देते। और ये भूखे रह ले तो गीता गलत हो जाएगी। गीता में भगवान कृष्ण के कहते हैं, नवे अध्याय के 22वें श्लोक में, अनन्या सॉरी अनन्या चिंतन्तो माम ये जनाः परि उपास्ते तेषां नित्य अभ्युक्तानां योग क्षेमं वहामि अहम्। जो तेषां नित्य अभ्युक्ता, नित्य अभ्युक्त है, अनन्य चिंतन्तो माम ये जनाः परि उपास्ते, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करने में लगे, अनन्य चिंतन्तो माम ये जनाः परि उपास्ते तेषां नित्य अभ्युक्तानां योग क्षेमं वहामि। जो ऐसे भक्त होते हैं उनका मैं योग क्षेम करता हूँ, मतलब जो नहीं है वो ला के दूंगा और जो है उसकी रक्षा करूं। भक्त भूखा तो सो कैसे, भूखा कैसे सुलाएंगे, भगवान पूरी व्यवस्था करेंगे। तो ठाकुर जी अब खुद आते हैं, पहले लोगों को प्रेरित किया उनके अंदर की, जाओ मेरे भक्त कुछ दे क्या, और भक्त तो खाता ही नहीं, बड़ा ढीठ भक्त है ये, मांगने वाला है नहीं, कुछ होता मांग लेते हैं पर ये बड़ा ढीठ है, मांगेगा तो है नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण छोटे से बालक का भेष बना के आते हैं, तो बाबा बाबा ये आपके लिए दूध लेके आया, मटके में दूध दिया, तो आपको कैसे पता चला मैं भूखा हूं और कुछ दूध के अलावा नहीं देता। कहते हैं गांव, हम गांव वासी हैं, गांव के हैं, तो पता सुन लिया कि आप नहीं खा रहे कुछ भी। और मेरी मैया ने बोला कि देखो भूखा है बाबा, जाओ उसको कुछ दे के आओ, इसलिए देने आया हूँ। बड़ा सुंदर बालक था, और भगवान किसी भी रूप में आए, भगवान के ऊपर तो आंखें हटेंगी नहीं, देखेंगी, तो बड़ा अट्रैक्टिव थे बालक। तो दूध तो लिया ना, और पी भी लिया। अब पी लिया, अब इंतजार कर रहे हैं बालक आएगा, लोटा वापस लेके जाएगा। तो लोटा आएगा, लेने आएगा तो उसे बात करूंगा, है ना, क्यों बड़ा सुंदर था, एक अट्रैक्शन सा हो गया उसके बारे में जानने का, क्यूरियोसिटी क्या मैं जानू है कौन बालक। तो लगे वेट करने पर बालक आया नहीं, शाम से रात हो गई और दूध पी के थके हारे में थे तो नींद भी आने लगी, तो झपकी लगी। जब झपकी लगी तो पता ही चला, कहते ना जब थका हारा आदमी होता उसको पता नहीं चलता ना, एसी पंखा कूलर कुछ नहीं चाहिए, जिसको नींद ना हो एसी के नीचे सुला दो वो भी मच्छरी मारेगा, है ना, वो करवटे बदलेगा, नींद नहीं आएगी। पर थका हारा होता है तो उसको नींद बहुत अच्छी आती है। कहते हैं ना बस भक्तों के समाज में लड़ाई नहीं होती, कहते क्यों नहीं होती, कहते लड़ाई असली नहीं होती, पति पत्नी डेली मंदिर जाते हैं, खूब नाचते हैं कूदते हैं, थके हारे पसीने से तरबतर खा पी के आते हैं, वो खा पी के सो जाते हैं। अब बताओ थका हारा इंसान लड़ाई क्या करेगा, है ना, नाचो जैसे कीर्तन होता है, कीर्तन भक्त कैसे नाचते हैं, छुट कूद नाचते हैं, पूरा पसीना के पसीना बह जाते हैं। अब ऐसे भक्तों को नींद आती, बड़ी बढ़िया नींद आती। तो वैसे माधवेंद्र पूरी थके हारे थे, गोवर्धन की परिक्रमा करी थी, अब
नींद आई, अब नींद के बाद पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सुबह के बेला था, सुबह के टाइम था, तो माधवेंद्र पुरी सपने में देख रहे हैं एक छोटा सा बालक, वही बालक आया जो भूत जो था लेकर आया था, वही बालक उसके बारे सपने में उसी के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं बालक आता है, हाथ पकड़ता है, बाबा बाबा उठो उठो उठो, उठाया, आप सो रहे हो, चलो। कहता हो कौन आप? कहता मैं गोपाल हूँ। अच्छा कहाँ रहते हो? कोई घर ठिकाना है ना? कोई कॉन्टेक्ट नंबर आपका मिलू तो कैसे मिलू, कहाँ ढूंढू आपको बाद में, तो मोबाइल नंबर दे दो अपना, कहाँ मिलोगे? कहता ये मेरा ही है वृंदावन में, मेरा घर है सारा, तो कहाँ लेके जा रहे हो? कहते मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, अब बताते मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, मतलब समझा नहीं, मैं बहुत टाइम से भूखा हूं, मैं गर्मी से, मैं मुझे गर्मी से कष्ट हो रहा है, मतलब कहते हैं कि मैं बहुत समय से यहाँ पास में पेड़ के नीचे मुझे छुपा के रखा गया है, जब मुगलों ने मुसलमानों ने जो अटैक किए थे, मुगलों ने अटैक किए थे तो बहुत सी मूर्तियां खंडित करी थी, बहुत से मंदिर तोड़ दिए गए थे, तो पुरोहितों ने पंडितों ने कुछ मूर्तियों को जो था वहां पे छुपा दिया, और कुछ मूर्तियां जो थी जयपुर के राजा उनको लेके चले गए थे। तो कह रहे मुझे यहाँ से निकालो, अब जगत को खिलाने वाले, जगत का भरण पोषण करने वाले, कह रहे हैं मैं भूखा हूँ, भगवान भूखे नहीं है, उनको तो कुछ जरूरत नहीं दिखा जाए, उनको क्या जरूरत है, लक्ष्मी जिनकी दासी हूँ, जगन्नाथपुरी में ढेरों मनो खा जाते हो एक बार में, डकार भी नहीं लेते, वो कहते हैं भूखा हूँ आज। तो भक्तों के हाथ से खाने में बहुत मजा आता है, भगवान ऐसे नहीं खाते, भूखे तो है ही नहीं पर फिर भी अब ना तो नहीं खाएं, बड़े बड़े लोगों के हाथ से नहीं खाते, दुर्योधन 56 पकवान बना के बैठा था, नहीं गए खाने के लिए उसके पास, मिद्रों के घर पे खा लिया, वो छेल केले के छिलके खाए, केले भी नहीं मिले नसीब में, गए यहाँ के इनवाइट किया खाने के लिए, तो बढ़िया मालपुए मिलेंगे, रसगुल्ले गुलाब जामुन मिलेंगे, केला दे चलो केला ही खा लेंगे, अब घर वाली विदुर के केले भी नहीं खिला रही, छिलके खिला दिए, है ना, और भगवान खा रहे हैं छिलके खा के मजा आ रहा है, क्यों भगवान भाव ग्रहण करते हैं, भक्तों का भाव भगवान को पसंद आता है, तो भगवान खाते हैं खिलाने वाला होना चाहिए, भाव होना चाहिए, जैसे माधवेंद्रपुरी का भाव था, भगवान वेट कर रहे हैं उसका, कितने और भक्त रहते थे वृंदावन, उनके हाथ को नहीं, उनको नहीं बोला कि मुझे खिलाओ, उनको नहीं बोला मुझे निकालो, कहते हैं कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था कि तुम आओगे मुझे निकालोगे और मुझे खिलाओगे, तो बताया ये पेड़ है, इस पेड़ के नीचे मैं हूँ, इतने में क्या वो माधवेंद्रपुरी की आंख खुली, आंख खुली तो सुबह का टाइम, मैं के सपन देख रहा हूँ, मैं तो सोया हूँ और मैं कहाँ गया तो सपने में, तो सुबह का सपना सच्चा होता है, माधवेंद्रपुरी आसपास के गांव वालों को सपना सुनाया, बताया कि ऐसे ऐसे मैंने सपने में देखा, सारे के वहां के लोग इकट्ठे हुए गए उनके साथ में, जब उस पेड़ के नीचे खोदा गया तो ठाकुर जी के विग्रह मिले उनको, गोपाल गोपाल मिले वहां पर, फिर उसके बाद बोला मुझे यहाँ से निकाल, तो निकाला गया उनको, निकाल के उनको प्रॉपर स्थापित किया गया, बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर राधा रमन जी के बारे में बात करनी है, टाइम हो जाएगा फिर, तो फिर उनको निकाला गया, उनको स्थापित किया गया, पूरा बहुत सुंदर फेस्टिवल हुआ, बहुत बड़ा अभिषेक हुआ, फिर बहुत बड़ा भंडारा हुआ वहां पे, पूरे गाँव वालों ने मिलकर भंडारा किया, ठाकुर जी की पूजा अर्चना शुरू हुई वहां से, फिर एक दिन सब बड़े मजे से चल रहा था, कहते ना भक्तों की लाइफ मजे से नहीं चल सकती कभी, भगवान चलने नहीं देते, धक्का मारते रहते नीचे हिलाते रहते, है ना, कष्ट देते रहते, भक्तों को कष्ट देने में भगवान को भी मजा आता है, भगवान को मजा आता है, भगवान कहते हैं सपने में कि माधवेंद्रपुरी स्थापित तो कर दिया, नहला भी दिया, बहुत बढ़िया से नहलाया, ठंडे पानी से नहलाया, पर अभी भी गर्मी मेरी गई नहीं, अभी गर्मी महसूस हो रही, पूछा था कैसे गर्मी जाएगी, सपने में कहते हैं, कहते हैं एक काम करो मले जाओ, मले पर सिवा चंदन लेके आओ मेरे लिए, उस चंदन से मेरी गर्मी जो है शांत हो सकती है,
सुबह सपना सुनाया था तुम तो। माधवेंद्र पुरी ने ऐसे नहीं सोचा कि मेरे बहुत से चेले चपाटे बन चुके हैं, बहुत से शिष्य हैं, तो किसी एक चेले को भेज देता है ना। हम जैसे लोग होते हैं सेवा दो ना, तो भक्तों की चार कैटेगरी होती है। एक होता है एंट लाइक डिवोटी, मतलब कि चींटी की तरह भक्त होते हैं, है ना। कैसे होते हैं चींटी की तरह के भक्त बताया गया, उनको कुछ सेवा दो। जैसे गुरु ने कहा शिष्य से, बेटा एक काम करो मेरे लिए ना एक दर्जन केले ले जाए। ठीक है गुरुदेव, ले जाता हूँ। कमरे से बाहर निकला, अरे हरिबोल हरिबोल, पास ये पैसे लो, गुरु महाराज के लिए केले ले जा। ठीक है, हो गया। उसने तीसरे को बोला, मतलब एक भक्त ऐसा हो चींटी की तरह, वो सेवा करता नहीं करवाता है ना, यहाँ वहां करके टाइम पास कर देता है। और एक होता है जैसे बताया गया है ज्योतिष भक्त। ज्योतिष भक्त क्यों कहा गया उसको, वो ना बहुत सारी भविष्यवाणी करता है कि ये सेवा करनी है, कर तो तू, पर गर्मी बहुत है बाहर, बाहर जाऊंगा तो लू लग सकती है, साइकिल ले जाओ। हाँ साइकिल लेके जा सकते, तो टायर पंचर हो गया तो लगी बहुत भविष्यवाणी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सेवा नहीं करेगा बहाने सो लगाएगा, है ना। तीसरे होते हैं एरो लाइक डिवोटी, एरो मीन्स तीर होता है, तीर की तरह भक्त, मतलब उनको सेवा दो बस, सेवा का नाम ले लो, ऐसे गायब होंगे जैसे गधे के सिर से सींग, और देखेंगे ही नहीं दोबारा, कि नजदीक ही नहीं आएंगे कि सेवा मिलेगी। अरे भक्त ऐसे होते, पर माधवेंद्रपुरी वैसे भक्त वो होता है जो हमेशा सेवा के लिए तैयार, चौथी कैटेगरी भक्त ही होता है, हमेशा तैयार सेवा के। माधवेंद्रपुरी ने किसी शिष्य को नहीं कहा कि मैं किसी अपने चेले को बोल दूंगा जाओ पुरी चले जाओ चंदन बिक जाओ, नहीं खुद जाऊंगा। और माधवेंद्रपुरी वृंदावन से पुरी की यात्रा पैदल करते, पैदल यात्रा करी और गए वहां से। जब वो पहुंचे रेमणा पहुंचे, रेमणा में दर्शन किए माधवेंद्रपुरी जी ने गोपीनाथ जी की, शाम का टाइम था और दर्शन करते करते जो है आरती का टाइम था, तो उस टाइम गोपीनाथ जी को भोग लग रहा था, भोग लगता है वहां पे अमृत के लिए का, तो पता किया भी क्या भोग लगता है यहाँ, पता है अमृत के लिए। अब भोग लग रहा था, इतने में माधवेंद्रपुरी के मन में विचार आया, काश थोड़ी सी ना खीर चखने को मिल जाती है? और मैं ऐसे ही खीर अपने गोपाल जी को बनाऊंगा। अब भाव क्या है उनका, गोपाल जी के लिए खीर का भोग बनाना, खाना नहीं, भाव उनका ये भाव है कि मैं गोपाल जी को भोग लगाऊंगा। ठीक है, फिर एक ही पल में उनको विचार है, ये तो मैंने अपराध कर दिया, अभी भोग लगा नहीं और चखने की बात करता हूँ। बहुत उनको अपने ऊपर ना बहुत गुस्सा आया, बहुत अपने ग्लानी महसूस हुई। उसी टाइम जो है मंदिर से चले, बहुत पछतावा हुआ, वो जाके मार्केट बैठ गए एक पेड़ के नीचे, रात थके हारे थे, सोचा यहाँ आराम कर लेता हूँ पेड़ के नीचे, तो पेड़ के नीचे लेटने के लिए बैठ गए। रात का समय था, सब कुछ मंदिर वाला बंद हो गया था, उसके बाद पुजारी मंदिर बंद करके सो भी गए। सपने में माधवेंद्र पुजारी के गोपीनाथ जी आते, और गोपीनाथ जी कहते हैं सपने में पुजारी को, उठो उठो, मैं बोल रहा हूँ। पुजारी उठा, क्या बात है, कौन बोल रहा है महाराज, कभी हुआ ही नहीं अचानक ऐसा हुआ पुजारी के साथ में, माधवेंद्रपुरी के चलते उस पर भी कृपा होगी भगवान की। मैं गोपीनाथ बोल रहा हूँ, सपने में बताता है कि जाओ मंदिर के गर्भगृह में वापस जाओ और देखो वहां पे मैंने अपनी धोती के पीछे एक खीर का अमृत केली का कुल्लड़ छुपा के रखा हुआ है। सपने पर गए कि सुबह जल्दी जल्दी उठे, तो मंगल आरती का टाइम से पहले उठ गए, जो और जल्दी उठ गए, नहा धो के जल्दी से गए। जब फाटक खोला तो देखा, क्या देखा, वही ठाकुर जी ने एक खीर का कुल्लड़ जो था छुपा के रखा हुआ था। बड़े हैरान कि कैसी लीला भगवान की, तुरंत उठा पुजारी कुल्लड़ लिया और भागते भागते गया
भगवान ने कहा थी माधवेंद्रपुरी के लिए, मेरा एक भक्त है माधवेंद्रपुरी, ये उसको देनी है, उसी के लिए खीर मैंने छुपा के रखी है। तो भागा भागा गया पुजारी, पता करते कि कोई है यहाँ माधवेंद्रपुरी नाम का भक्त है, माधवेंद्रपुरी नाम का भक्त है, लगी आवाज देने। तो वहां पहुंचे तो वहां माधवेंद्रपुरी पास बैठे हुए थे, कहता हाँ मैं हूँ बताइए। अब इतना बोला, देखा कि सामने माधवेंद्रपुरी, दंडवत प्रणाम किया पुजारी ने माधवेंद्रपुरी को, कहता आप महान है, आपके लिए गोपीनाथ जी ने खुद खीर चुराई है ना, खीर भेजी है आपके लिए। माधवेंद्रपुरी शुद्ध भक्त समझ गए, पर रोने लगे आंखों से आंसू है ना, कि भगवान की कृपा को देखकर। लिया खीर और पहले तो खीर को प्रणाम किया देखकर, दंडवत दूर से ठाकुर जी की कृपा मिली है। फिर खीर खाई, खीर खाई उसके बाद वो कुल्हड़ जो था वो भी थोड़ा अपने कपड़े बांध लिया कि दिल्ली इस कुल्हड़ को खाऊंगा, क्यों ठाकुर जी ने स्पर्श किया इसको। तो ऐसी लीला उनकी। फिर वहां से निकले, पुरी पहुंचे। हम जो है प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, लोग हमें मान सम्मान दें, ग्लोरीफाई करें, हमारा गुणगान करें, आगे पीछे चेले हमारे घूमे, हम ऐसे हैं। पर भक्त कैसा होता है, चैतन्य महाप्रभु कहते ना धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामन, क्या ना धनम न जन्म न सुंदरी, ना मुझे धन चाहिए ना जन्म चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए, कविता बाजी लिखता हूँ, नहीं 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 कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, मम जन्मनी जन्मनेश्वरी अतर अवती अहेतुकी त्वरि, हर जन्म में आपकी अहेतुकी भक्ति चाहिए। तो अहेतुकी तुक ना हो उसमें, अहेतुकी भक्ति चाहिए, सस्वार्थ ना हो। तो माधवेंद्री माधवेंद्रपुरी जब पुरी पहुंचे, हम तो ढिंडोरा पीटते हैं, हाँ जी हम आ रहे हैं, पहले ही लोगों को बोल देते हैं हम आ रहे हैं, ताकि लोग हमारे लिए तैयारी करके रखें, माला वाला तैयार हो हमारे लिए। पर वहां देखते हैं माधवेंद्रपुरी पास पहुंचे, पहले से ही लोग उनको खबर पहुंच चुकी थी कि ये कैसा भक्त है जिसके लिए खीर चुराई है, खबर पहले पहुंच चुकी है, किसी ने पहले फोन कर दिया था, खबर लीक हो चुकी थी वहां पर। माधवेंद्रपुरी का बड़ा मान सम्मान हुआ, बड़ा स्वागत किया गया। उसके बाद पूछा, राजा तक बात पहुंची, बताइए क्यों आना हुआ, बताया मुझे चंदन लेने आया हूँ ठाकुर जी के लिए। पूरी व्यवस्था करके राजा ने चंदन दिया, साथ में कुछ सेवक दिए, रस्ते के लिए कुछ पैसे की व्यवस्था करके दी, क्योंकि उस टाइम मुसलमानों का शासन था तो टोल टैक्स लेते थे, परेशान करते थे लोगों को जो मुसलमान थे, तो कोई परेशान ना करे एक लेटर लिख के दे दिया राजा ने, प्लस कुछ पैसे दे दिए, प्लस कुछ सेवक भी। तो माधवेंद्रपुरी पास जो है चंदन को लेके वापिस आए, तो रेमणा पहुंचे, रेमणा पहुंचे तो सोचा वापसी में अब ठाकुर जी के गोपीनाथ जी के दर्शन करता चलो, तो दर्शन करता चलो तो पहुंचे, दर्शन किए उनके तो बहुत अच्छे से स्वागत हुआ, अब तो सब जानने लगे थे रेमणा में उनको, बहुत बढ़िया स्वागत हुआ उनका, बहुत अच्छे से प्रसाद की व्यवस्था करी गई। तो रात को सोचा वहीं सो लेता हूँ, सुबह निकलूंगा यहाँ से। तो रात को सोए, तो रात को फिर गोपाल जी आए सपने में वृंदावन वाले, कहते हैं माधवेंद्रपुरी एक काम करो, इस चंदन को वृंदावन लाने की जरूरत नहीं, क्या करो मुझ में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, गोपीनाथ रेमणा वाले और गोपाल वृंदावन वाले, मुझ में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं, हम एक ही हैं, कि चंदन क्या करो आप गोपीनाथ पे लगा दो, ठंडक मुझे। अब जब ये सपना सुना माधवेंद्रपुरी ने, वो ये सपना फिर सुबह भक्तों को बताया गया, भक्त इतने खुश हुए, एक फेस्टिवल हो गया सबके लिए, इतने उत्साह के साथ भक्तों ने कि क्या सब ने मिलकर चंदन घिसने की सेवा वाली, इवन जो साथ में सेवक मिले थे राजा की तरफ वो भी लगे, बहुत बढ़िया तरीके से जो है बहुत बड़ा फेस्टिवल बनाया गया, चंदन उनको लगाया गया। फिर वहीं पे रहे माधवेंद्रपुरी पास, वही भजन करने लगे, वही रहने लगे, वही उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया माधवेंद्रपुरी पाद जी ने। आप जाओगे तो वहां से 1-8 किलोमीटर जो है आगे माधवेंद्रपुरी जी की समाधि है। तो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे एक ईश्वरपुरी, बहुत सेवा करी, बहुत सेवा करी उन्होंने माधवेंद्रपुरी पाद जी की, अंत समय में बड़े खुश हुए। तो माधवेंद्रपुरी पाद खुश हुए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपने मेरी इतनी सेवा करी है, इतनी सेवा करी है, आपके वो स्पेशल कृपा होगी। स्पेशल कृपा क्या हुई उनके ऊपर, साक्षात चैतन्य महाप्रभु का उनको संग मिला, यानी चैतन्य महाप्रभु उनके शिष्य बने ईश्वर परिपात के, ये माधवेंद्रपुरी की कृपा से ही ऐसा हो गया।